ये कितना पतला है, बिल्कुल पेपर जितना पतला। यहाँ ही मैंने एक बाउल लिया है, इसमें हम डालेंगे 1.5 कप सूजी। सूजी आप मोटी वाली बारीक वाली जो भी लेना चाहें ले सकते हैं। और ये 1 कप दही। अभी इसे मिक्स करके देखते हैं। हमेशा ध्यान रखना सूजी में कितना दही डालना चाहिए कि सूजी इसमें गीली हो जाए, ड्राई ड्राई नहीं रहनी चाहिए। अगर कम पड़ता है तो और डाल लेना। और ये 1 छोटा चम्मच के करीब नमक। और अभी मैं इसमें डाल रही हूँ ये 1/2 ग्लास पानी। एक बार मिक्स कर लेंगे इसे अच्छे से ताकि कोई गुठली ना रहे। मिक्स कर लिया है, ये बाकी का 1/2 ग्लास भी पानी डाल देंगे। अभी तो हमने इसमें 1 ग्लास पानी मिलाया है। मिक्स कर लेते हैं और इसे ढक देते हैं 5 मिनट के लिए। सूजी अच्छे से फूल जाएगी। तो अब हम यहाँ पर डोसे की फिलिंग तैयार करेंगे। यहाँ हमने लिया है 2 बड़े चम्मच रिफाइंड ऑयल। इसे अभी मीडियम टू लो गैस पर ही गर्म होने देना। तेल हल्का हल्का गर्म होने लगा है, गैस को बिल्कुल स्लो रखना। ये 1 चम्मच चने की दाल और ये 1 चम्मच धुली हुई उड़द की दाल। अब बिल्कुल स्लो गैस पर इसको गोल्डन होने तक भुनने देंगे। ये हमारा लाइट गोल्डन भुन गया है। अभी भी गैस को बिल्कुल स्लो रखना। ये थोड़ा सा कड़ी पत्ता है, मैं इसमें डाल देती हूँ। ये मेरे पास सूखा वाला है, मैंने सूखा के रखा है। एक हरी मिर्च बारीक कटी हुई और ये 4 से 5 सूखी साबुत लाल मिर्च है। ये इसे मैं ऐसे तोड़ के डाल देती हूँ। और ये 1/2 चम्मच राई। ऊपर सभी चीज़ों को भुनने देते हैं। और ये 1/2 चम्मच से भी कम है हल्दी पाउडर। मिक्स कर लेते हैं। ये हमारा मसाला तैयार है। और यहाँ मैंने 5 से 6 उबले हुए आलू लिए हैं, जिसे मैंने इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लिया है। इसे इसमें डाल देते हैं। और ये 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच नमक। अब सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 3 से 4 मिनट तक भूनेंगे मीडियम गैस पर। आलू के जो भी बड़े टुकड़े लगे उन्हें हल्का हल्का मैश कर लेना। तो आलू हमारे भुनकर तैयार है। गैस को बंद कर देते हैं। ये हरा धनिया डाल देते हैं। एक बार मिक्स कर लेते हैं। तो ये हमारी फिलिंग बनकर तैयार है। बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी और टेस्ट बहुत अच्छा। अब इस बैटर को चेक कर लेते हैं। सूजी फूल गई है अच्छे से। तो यहाँ ये हमने लिया है 1/2 छोटा चम्मच बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा सूजी को और अच्छे से फुला देता है। ये हम यूज़ करेंगे बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर से डोसा क्रिस्पी होगा। ये 1 चम्मच। अब इसे इसमें मिक्स कर लेंगे अच्छे से। यदि आपके पास ये नहीं है तो स्पून से भी कर सकते हैं, लेकिन अभी ये थोड़ा सा गाढ़ा है डोसे के हिसाब से, तो मैं इसमें 1/2 ग्लास पानी और डालूँगी और एक बार मिक्स कर लेंगे इसे। तो ये हमारा बैटर तैयार है इस तरह से। जैसे हम दाल और चावल मिक्स करके पीस कर जब बैटर बनाते हैं, ये उससे और पतला रहता है, उतना गाढ़ा नहीं रहता। इस तरह से होना चाहिए। यहाँ हमने नॉनस्टिक तवा लिया है और तवे को मीडियम गैस पर गर्म रखना, ज़्यादा तेज़ गर्म नहीं करना। और अभी हम इस पर ये ऑयल लगा देते हैं अच्छे से, और थोड़ा सा पानी के छींटे लगा देंगे। ये पानी छिटकने लगा, इसे पोंछ देंगे। इस बैटर को हम
इस पर डालेंगे और तुरंत बीच में रखेंगे और हल्के हाथ से बाहर की तरफ ऐसे। और गैस को रखेंगे मीडियम और इसको एक साइड से हम सिकने देंगे। यहाँ ये ऊपर से ड्राई हो गया यानी कि नीचे से सिक गया है हल्का हल्का। तो अब हम इसमें ऊपर ये ऑयल लगा देंगे, हल्का हल्का लगाएंगे, ज़्यादा नहीं। मान लीजिए बैटर अगर गाढ़ा हो जाता है तो आप उसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं, और यदि बैटर थोड़ा सा पतला हो जाता है तो आप उसमें सूजी ऐड कर सकते हैं। ये डोसा नीचे साइड से सिक चुका है, एक तो इसके किनारे भी गोल्डन हो गए हैं, ऊपर से ड्राई हो गया है और ये किनारे छोड़ने लगता है। मैं आपको दिखा देती हूँ कितना पतला है, बिल्कुल पेपर जितना पतला। आप चाहें तो इस साइड से सेक सकते हैं, चाहे तो ना सेकें, लेकिन मैं इसे एक साइड से ज़रूर सेकती हूँ क्योंकि ये और भी क्रिस्पी हो जाता है। तो अभी हम इसे पलट देते हैं, देखिए कितना अच्छा लग रहा है अभी साइड से, बिल्कुल पतला। अच्छा, तो मैं इसे इस तरह से पलट देती हूँ और उस साइड से हल्का सा सेकेंगे, ज़्यादा नहीं, सिर्फ एक मिनट के लिए, और गैस को रखेंगे मीडियम टू लो। तो ये नीचे साइड से भी हल्का सा सिक चुका है और अब हम इसे पलट लेते हैं। और मैं इस पर ये आलू लगा देती हूँ। आलू आप अपनी पसंद से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो फोल्ड कर लेते हैं इसे, ये देखिए कितना अच्छा और एकदम पेपर जितना पतला डोसा सूजी का होता है। नुकसान भी नहीं करता क्योंकि सूजी फैट फ्री होती है और बहुत ही लाइट होती है। तो इसे सर्व करते हैं। तो यहाँ हमारा ये डोसा रेडी है, इंस्टेंट बनता है, बहुत ही टेस्टी होता है। और ये सांभर की रेसिपी मेरे चैनल पर है, मैंने इंस्टेंट सांभर बताया है, कुकर में भी और रेगुलर जैसे बनाते हैं वैसे। तो यहाँ ये हमारा इंस्टेंट डोसा बनकर तैयार है, बहुत ही जल्दी बन जाता है, बहुत ही लाइट होता है। इसे आप 2-3 आराम से खा सकते हो, बिल्कुल भी हैवी नहीं लगेगा खाने के बाद क्योंकि सूजी में 0% फैट होता है। अच्छा, और जैसे मार्केट में खाते हो तो वो सॉफ्ट हो जाता है बाद में, ये सॉफ्ट नहीं होता, ये बिल्कुल पापड़ जैसा करारा रहता है। मैं आपको दिखा देती हूँ तोड़ के, ये देखिए एकदम से करारा। तो आप भी इस डोसा की रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए आपको रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू।